सीएनबीसी आवाज पर 180 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में निफ्टी बैंक कमजोर 228 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड यहां पर अभी भी बना हुआ है तो मूड बिल्कुल बदला नहीं है बिकवाली का सिलसिला अब भी हावी और एक स्टॉक जहां पर आज हमने बाजार खुलने से पहले ही कहा था कि यहां पर एक लोअर सर्किट लगेगा वहां पर लोअर सर्किट पर ही शुरुआत हुई और अभी भी लोअर सर्किट से ही जूझ रहा है सीजी पावर 20% के लोअर सर्किट पर यह स्टॉक आपको दिखेगा दरअसल कंपनी की रिस्क और ऑडिट कमेटी ने कंपनी के खातों में गड़बड़ी पाई है और ज्यादा डिटेल्स दीपाली के पास है इसका इम्पैक्ट इतना है कि येस बैंक भी आज कमजोर है पहले बताइए कमेटी ने क्या पाया और येस बैंक के साथ क्या कनेक्शन है दीपाली रिस्क और ऑडिट कमेटी ने कंपनी के खातों को लेकर क्वेश्चंस रेज किए उन्होंने कहा है कि सेवरल सस्पेक्टेड अनऑथोराइज्ड और अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका कहना है कि 1,000 करोड़ की लाइबिलिटी कंपनी ने अपने बुक्स में कम दिखाई है 2,000 करोड़ के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको नहीं दिखाया गया है इसके अलावा लोन पर जो गारंटी कंपनी ने दी थी उसको भी कंपनी ने कम करके दिखाया नेटवर्थ अपनी कम दिखाई है और कई सारे ऐसे राइट ऑफ्स के आंकड़े हैं जिनको सही प्रोजेक्ट नहीं किया है तो कई सीरियस यहाँ पर सवाल उठाए हैं रिस्क और ऑडिट कमेटी ने और देखिए कंपनी के साथ ऑलरेडी बहुत दिक्कतें हैं इस साल की शुरुआत से अब तक ये स्टॉक 70% गिर चुका है लगभग 8,063 करोड़ का कंपनी पर डेट है प्रमोटर का स्टेक खत्म हो चुका है सारी होल्डिंग प्लेज्ड रखी हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी सवाल है और ऑडिटर्स ने भी अब कंपनी के को लेकर सवाल उठा दिए आपने येस बैंक का जिक्र किया येस बैंक आज दबाव में है और येस बैंक पर भी इसका इम्पैक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि येस बैंक की सीजी पावर में लगभग 13% हिस्सेदारी है वो भी 12.8% के आसपास प्रिसाइसली और इसी साल मई 2019 में हिस्सेदारी येस बैंक के नाम हुई थी वो भी उन्होंने जो प्लेस शेयर्स थे उनको इन्वोक किया था इंटरेस्टिंग ये है कि जब येस बैंक ने ये शेयर्स इन्वोक किए थे प्लेस शेयर्स को तब सीजी पावर का भाव 38 रुपए होता था और अब ये स्टॉक 14-15 पर आ चुका है तो ऑलरेडी भारी नुकसान इस होल्डिंग में येस बैंक को हो रहा है और यही वजह है कि ये स्टॉक दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है जी हाँ और येस बैंक भी करीब 7% नीचे सीजी पावर तो वैसे भी एक लोअर सर्किट पर आज कर रहा है कारोबार देखिए 12 महीनों में क्या हालत हुई है स्टॉक की 75% नीचे और शुक्र है कि ये वायदे में है नहीं वरना इसकी और भी धुलाई होती और निचले स्तर सीजी पावर में देखने को मिलते फिलहाल 14.80 रुपए पर आ चुका है चलिए एक और बड़ी खबर के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास दरअसल जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है और एनएचपीसी के रातले प्रोजेक्ट की फंडिंग का रास्ता साफ हो गया है ज्यादा डिटेल्स प्रकाश के पास है और याद रखिए सीएनबीसी आवाज के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी है प्रकाश बताइए किस जरिए से फंडिंग की जाएगी देखिए सरकार जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसको तेजी से इंप्लीमेंट करना चाहती है उसको नई रफ्तार दे रही है और उसको ध्यान में रखते हुए जो एनएचपीसी का रातले प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब नदी पे बन रहा है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका रास्ता साफ हो गया है इसमें करीब 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय ने इसका जो अंतिम प्रस्ताव है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भेज दिया है उसके बाद एक महीने के अंदर इस पर कैबिनेट मुहर लगाएगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो करीब 850 मेगावाट का है और एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में ज्वाइंट वेंचर है जिसमें इस प्रोजेक्ट में शुरुआती 5 साल के लिए एनएचपीसी जो है उसकी जो हिस्सेदारी होगी वो करीब 51% के आसपास होगी और उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप दिया जाएगा दरअसल इस प्रोजेक्ट में जो जल जो जो सिंधु नदी जल संधि है उसका हवाला देकर पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है लेकिन सरकार इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करना चाहती है और उसको ध्यान में रखते हुए इसको ऊर्जा मंत्रालय ने पीआईबी को भेजा है और उसके बाद कैबिनेट उसकी मोहर लगाएगी और उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा तो जल्दी कैबिनेट की मोहर लग सकती है और एनएचपीसी के हाथ ये बड़ा प्रोजेक्ट लगता हुआ दिखाई देगा जैसे यहाँ पर प्रकाश कह रहे हैं कि सरकार की करीब 5,281 करोड़ निवेश की योजना है एनएचपीसी तो एकदम ठंडा पड़ा रहता है लेकिन आज इस खबर के चक्कर में स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर 23.60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है प्रकाश वॉल्यूम्स 18 लाख शेयरों के ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि मुश्किल से यहाँ पर ट्रेड होता है बताइए क्या किया जाए बढ़ तो चुका है करीब 21 से 23 के करीब ट्रेड कर रहा है अगर आपको मिलता भी है तो 24-25 हो सकता है इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं है और यहाँ पर बहुत ही रेसिस्टेंस है वहाँ पर मौका मिलता है निकल जाने का क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है स्ट्रेंथ नहीं है इसमें ओके तो स्ट्रेंथ तो है नहीं लेकिन मौका है तो और आज खबर भी आई है तो मौका रहते एग्जिट की पोजिशन लीजिए वरना खबर अच्छी है जो प्रकाश कह रहे थे प्रॉब्लम यही है कि ये इसका ज़्यादा फायदा लोगों को मिलता नहीं है स्टॉक चलता नहीं है इस पूरे साल में भी देखिएगा करीब 7% का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है गिरावट के घेरे में रहा है ये काउंटर
अच्छा, एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें तेज पोजीशंस आ रही हैं। पीएनजी हेल्थ देखते हैं क्या प्रकाश, वॉल्यूम्स कम रहते हैं 4408 के लेवल्स, इसमें अचानक तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से घूम गया, 5% तक की तेजी इसमें बन गई। केएनआर कंस्ट्रक्शंस, अच्छा केएनआर कंस्ट्रक्शन देखिए प्रकाश, क्योंकि 248 का भाव है तो रिटेल निवेशक ले भी सकते हैं स्टॉक को, 1.5% चढ़ा है इस आधे घंटे में। हो सकता है अपमू मिले यहाँ पर, 240 का स्टॉप जरूरी है, और अपमू मिलता है तो 260 भी जा सकते हैं, वॉल्यूम्स कम है, पॉसिबल है कि वहां तक चला जाए। ओके, तो ये 260 की तैयारी कर सकता है, वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा नहीं है केएनआर कंस्ट्रक्शन में। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप? 240 यानी कि यहाँ से 9 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाएगा, 260 तक का ट्रेड तो दिख ही रहा है। निचले लेवल से बाजार में थोड़ी सी रिकवरी देखिए, 11,000 के ऊपर हम पहुंच पाए हैं, 11,028 के लेवल्स आ चुके हैं, 25 अंकों की ही गिरावट रह गई है। और निफ्टी बैंक आप गौर करेंगे तो 27,990 के लेवल्स, तो निचले लेवल से यहाँ पर भी एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, तो थोड़ी सी रिकवरी सेकेंड हाफ में आने के आसार तो बन रहे हैं, क्या वो टिकेगी ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक में जाते जाते एक तत्काल ट्रेड, और किरण जाधव की राय है कि आप आज मारुति लेकर जाएं, 6,270 का टारगेट रहेगा, 6,100 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, मौजूदा भाव है 6,138 का, तो एक अपॉर्चुनिटी है यहां पर तेजी की पोजीशन लेने की। इसी के साथ मिड कैप मंत्र में इतना ही, आप बने रहिए, ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।